हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्स मार्टिकेटर। जैसा कि आज है संडे और आज है हमारा संडे लाइव क्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुका है, जिसमें हम टोटल 15th लेक्चर पढ़ चुके हैं। 1 to 14 लेक्चर हम लोग देखे थे और कल ही मैंने एक नया लेक्चर अपलोड किया था जिसे हमने नाम दिया था 14.0, जिसमें हमने बात किया था ईमेल के बारे में। तो हमारा फर्स्ट यूनिट जिसका नाम था बेसिक इंटरनेट स्किल, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। और पिछले दिनों ही मैंने आपको बताया था कि इस संडे को मैं आप सभी का संडे लाइव क्यूज लेने वाला हूँ, जिससे आप अपना टेस्ट भी समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं 10 अक्टूबर, जो कि आज की डेट है, और टाइम यहाँ पे देख सकते हैं 7 PM, जो कि हमारा टाइम हो चुका है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस लाइव क्यूज का नियम जान लीजिए कि आपको कैसे अपना टेस्ट देना है, कैसे इस लाइव क्यूज में शामिल होना है। पहले तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। तो कल से यानी कि 11 अक्टूबर से हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम इसमें बात करते हैं पहले क्यूज का नियम क्या है। तो आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन MCQ टाइप्स होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। आप देख सकते हैं चैट का ऑप्शन खुल गया होगा, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर है वो आपको देना है। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन है, तो उसका जो भी सही आंसर है, मान लीजिए किसी का ए आंसर है, ठीक है, एक नंबर आंसर सही है, तो ए आप 1.A लिख सकते हैं, या फिर मान लीजिए एक का आंसर बी है तो आप 1.B दे सकते हैं, या फिर मान लीजिए 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर सी है तो आप 5.C लिख सकते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा और 10 सेकेंड के अंदर ही आपको आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे संडे लाइव क्यूज को। ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, टाइम 7 PM ही था। आई होप आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब को किसने इन्वेंट किया था। तो पहला ऑप्शन है सर थॉमस, दूसरा है टिम बर्नर्स-ली, तीसरा है चार्ल्स बेबिज और चौथा है नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि टिम बर्नर्स ली, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किए थे टिम बर्नर्स ली। तो आज के इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ये सारा चीज मैंने 15 लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आप अच्छे से वीडियो देखे होंगे, अच्छे से अपना नोट्स तैयार किए होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक बात और, जिस भी स्टूडेंट का जितना भी मार्क आए, यानी कि 30 में मान लीजिए किसी को 29 सही हुआ, 28 सही हुआ, 27 सही हुआ, यानी जिस भी स्टूडेंट का जो भी सही होगा, वो वीडियो खत्म होने के बाद इस वीडियो के कमेंट में, लाइव चैट में नहीं, इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम और उन्हें कितना मार्क मिला है वो कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट विनर होंगे, जिनको सबसे ज्यादा मार्क आएगा, उनका नाम व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा। तो एक बात और, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का पितामह किसे बोला जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है। विंट सर्व, विंट का फुल नेम है विंटन, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज या सर थॉमस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। जैसा कि मैंने इंटरनेट जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि विंट सर्व को, यानी कि विंटन सर्व को बोला जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, विंट सर्व। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय इंटरनेट, यानी इंटरनेट जो है किस प्रोटोकॉल का यूज करता है कम्युनिकेशन करने में, WWW, HTML, TCP/IP या फिर नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो मैंने जब इंटरनेट पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इंटरनेट जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए TCP/IP का यूज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, TCP/IP। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के फाउंडर कौन है। तो इससे पहले हमने बात किया था कि इंटरनेट को इन्वेंट किसने किया था, अब हम बात करने वाले हैं कि इनके फाउंडर कौन है, विंट सर्फ, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली या फिर नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, टिम बर्नर्स ली को बोला जाता है फाउंडर ऑफ इंटरनेट। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कह रहा है क्या गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी गूगल क्रोम जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वेब ब्राउजर का, वेब सर्वर का, HTTP का या फिर WWW। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा क्योंकि गूगल क्रोम हम सभी यूज करते हैं। तो गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, जब मैं ब्राउजर पढ़ा रहा था तो ये मैंने बताया था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर एल इज ऑल्सो नॉन एज, यानी यू आर एल को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है वेब एड्रेस, दूसरा है यू आर आई, तीसरा है बोथ ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों, चौथा है नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो यू आर एल को बोला जाता है वेब एड्रेस। ठीक है, वेब एड्रेस को बोला जाता है यू आर एल, यानी अगर आपको क्वेश्चन उल्टा भी पूछ दे आपके एग्जाम में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है यू आर एल इज ऑल्सो नोन एज, यानी यू आर एल को क्या कहा जाता है, तो वेब एड्रेस अगर यहाँ पे लिख दे वेब एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज, अगर ऑप्शन में यू आर एल दे दे तो उसका आंसर हो जाएगा यू आर एल, यानी क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है वेब एड्रेस को यू आर एल बोला जाता है और यू आर एल को वेब एड्रेस बोला जाता है। अब यू आर एल क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं उस पर उतना डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओ तो ये क्वेश्चन तो ऊपर वाला ही रिपीट हो गया है, तो इससे हम हटा के चलते हैं, नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। तो पहला ऑप्शन है वेब ब्राउजर, दूसरा है वेब सर्वर, तीसरा है HTTP और चौथा है WWW। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है, फिर भी यहाँ पे टाइमिंग मैं स्टार्ट कर देता हूँ, इसका आंसर आप दे दीजिए, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर तो ऑलरेडी मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, इसका आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ ईमेल, यानी कि फादर ऑफ ईमेल किन्हें बोला जाता है, यानी ईमेल का पितामह किसे बोला जाता है। तो ईमेल के बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था, तो आई होप आपको वीडियो जरूर देखे होंगे। तो चलिए, पहला ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, दूसरा है सर थॉमस, तीसरा है रे टॉमलिंसन और चौथा है चार्ल्स बेबिज। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब।
तो आपका समय समाप्त होता है। तो फादर ऑफ ईमेल बोला जाता है रे टॉमलिंसन को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइस दैट अलाउ यू टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, यानी वैसा डिवाइस जो कि हमें अलाउ करता है कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन पुट करने के लिए, तो उस डिवाइस को हम लोग कौन सा डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन देने के लिए या फिर बोल सकते हैं कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है टाइप, दूसरा है इनपुट, तीसरा है आउटपुट और चौथा है प्रिंट। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनपुट डिवाइस के जरिए हम लोग कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर में आपको अपना नाम लिखना है या फिर आपको रिज्यूम बनाना है, अपना बायोडाटा लिखना है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, आप कीबोर्ड का यूज कीजिएगा, तो कीबोर्ड क्या होगी हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इनपुट। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एएलयू, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है सीपीयू, चौथा है कंट्रोल यूनिट। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो कोर्स का फी बहुत कम रखा गया है, मात्र 100 रुपीज। तो 100 रुपीज कोई ज्यादा फी नहीं है, अगर वो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या तो वो हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्जुलरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज, यानी एक्जुलरी मेमोरी को और क्या बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी या फिर नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्राइमरी मेमोरी। जब मैं मेमोरी पढ़ा रहा था तो आपको ये बात बताया था कि एक्जुलरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ दे आपके एग्जाम में कि प्राइमरी मेमोरी को क्या बोला जाता है, तो अगर ऑप्शन में एक्जुलरी मेमोरी हो तो आपको वहां पे लिखना है एक्जुलरी मेमोरी, या फिर प्राइमरी मेमोरी पे अगर आपको शॉर्ट नोट भी पूछे तो आप पहला पॉइंट ये दे सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्जुलरी मेमोरी। ठीक है, अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जब मैं मेमोरी पढ़ा रहा था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, कहता है इसमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है बिंग, दूसरा है गूगल, तीसरा है याहू, चौथा है विंडोज। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज। ठीक है, क्योंकि विंडोज हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट का हमारा नाम ही है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं, जिसका नेक्स्ट लेक्चर आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो कल हमारा नेक्स्ट यूनिट यानी कि सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने वाला है। विंग, गूगल, याहू ये तीनों सर्च इंजन है और विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन,
यानी कि आउटपुट डिवाइस का यूज करके हम इनमें से कौन सा काम कर सकते हैं। पहला है इनपुट डाटा, दूसरा है स्टोर डाटा, तीसरा है स्कैन डाटा, चौथा है व्यू और प्रिंट डाटा। हम डाटा को पुट कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को स्कैन कर सकते हैं, या फिर डाटा को प्रिंट और व्यू कर सकते हैं। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आउटपुट डिवाइस का यूज करके हम डाटा को प्रिंट भी कर सकते हैं और डाटा को देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रिंटर, तो प्रिंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंटर कैसा डिवाइस है, तो वो आउटपुट डिवाइस है। व्यू, मान लीजिए किसी चीज को हमें व्यू करना है, तो मॉनिटर पे हम लोग व्यू कर सकते हैं। तो मॉनिटर कैसा डिवाइस है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। यानी आउटपुट डिवाइस का यूज करके हम व्यू और प्रिंट डाटा कर सकते हैं, यानी डाटा को व्यू भी कर सकते हैं और उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज ऑल्सो यूज टू प्लेइंग गेम। कहता है कौन सा डिवाइस का यूज करके हम गेम खेल सकते हैं। पहला है माउस, दूसरा है लाइट पेन, तीसरा है जॉयस्टिक, चौथा है कीबोर्ड। तो जब मैं इनपुट डिवाइस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका यूज करके हम गेम को खेल सकते हैं, यानी कि वीडियो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर, यानी कि इनमें से कौन एक टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर है। गूगल, एनसीएसए, मोसेक, लिनक्स, ओपरा। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। यानी कि लिनक्स क्या है, एक टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लिनक्स। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जब मैं ब्राउजर पढ़ा रहा था तो आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, पी रोम स्टैंड्स फॉर, यानी कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रिंट रीड ऑफ मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ऑन मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, या फिर नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो पीरोम का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। जिस भी स्टूडेंट को आंसर देने में प्रॉब्लम होगी, तो मैंने पहले ही बताया है कि आंसर आपको कैसे देना है। मान लीजिए 16 का आंसर सी हो गया, तो 16.C आराम से वो 10 सेकंड के अंदर टाइप कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पे ऑप्शन टाइप करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए आप 16 का जैसे सी हो गया, तो 16.C आप लिख सकते हैं इस तरह, 16.C। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। और जो छोटा ऑप्शन है, ठीक है, तो अगर आप उसे 10 सेकंड में टाइप कर सकते हैं तो आप टाइप करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोलाटाइल मेमोरी इज, यानी कि वोलाटाइल मेमोरी इनमें से कौन सा है। HDD, रैम, USB, SD कार्ड। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो वोलेटाइल मेमोरी इसमें से कौन हो जाएगा, तो वोलेटाइल मेमोरी हमारा रैम है। ठीक है, रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, रैम क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी जब मेमोरी पढ़ा रहा था तो बताया था। तो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जैसे ये ऑप्शन हमारा छोटा था तो आप इसे टाइप भी कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क इज, यानी हार्ड डिस्क क्या है, कौन
कौन सा मेमोरी है हार्ड डिस्क, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो हार्ड डिस्क हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, क्योंकि इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी ऑप्शन छोटा है, आप चाहो तो टाइप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वैसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर वॉज लॉन्च इन, यानी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर कब लॉन्च हुआ था, 2004 में, 2008 में, 2011 में, 2015 में। तो ब्राउजर से ये क्वेश्चन है, तो आई होप आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 2015, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर जो है वो लॉन्च किया गया था 2015 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 2015। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसपी स्टैंड्स फॉर, यानी आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहला है इंटरनेट सर्विस प्रोसीडर, दूसरा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा है इंस्टेंट सर्विस प्रोटोकॉल, चौथा है ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि हम लोग जियो का सिम यूज करते हैं, एयरटेल का सिम यूज करते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी अच्छे से बता चुका हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि इंटरनेट पे कंप्यूटर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस के द्वारा, स्ट्रीट एड्रेस के द्वारा, आईपी एड्रेस के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो यानी कि इंटरनेट पे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं उनके आईपी एड्रेस के द्वारा। ठीक है, तो आईपी एड्रेस के द्वारा हम पता कर सकते हैं उनका कंप्यूटर कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस एक यूनिक होता है, क्योंकि आईपी एड्रेस यूनिक एड्रेस होता है, ये मैंने जब आईपी एड्रेस पढ़ा रहा था तो आपको बताया था। जैसे कोई हैकर अगर हैक करता है किसी का कंप्यूटर, तो उनके आईपी एड्रेस से पता लगाया जा सकता है कि वो हैकर कहाँ से हैक कर रहा है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज, यानी कंप्यूटर मॉनिटर को और क्या कहा जाता है, वीडियो, डीवीडी, डीवीसी या फिर सीसीटीवी। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो हम लोग मॉनिटर को बोलते हैं वीडियो। ठीक है, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये जब मैं मॉनिटर पढ़ा रहा था, आई थिंक लेक्चर 7 में ये चीज आपको बताया था कि मॉनिटर को हम वीडियो भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, कहता है इनमें से किसे रीड राइट मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो जब मैं मेमोरी पढ़ा रहा था तो ये चीज आपको लिखाया था उसमें, यानी पीडीएफ में मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ लेक्चर में। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रैम, यानी कि रैंडम एसेस मेमोरी, यानी कि रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है,
कि रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और रैम का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, रैंडम एसेस मेमोरी। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर एल स्टैंड फॉर, यानी यू आर एल का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, दूसरा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तीसरा है यूनिफॉर्म रेडियो लोकेटर, चौथा है नन ऑफ दिस। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो यू आर एल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म वाली क्वेश्चन इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में भी ये सब आ सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी है। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी और भी इम्पोर्टेंट आपको फुल फॉर्म वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द सर्च इंजन, यानी इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है। तो पहला है altavista.com, दूसरा है google.com, तीसरा है facebook.com, चौथा है yahoo.com। तो क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है। तो चलिए जाइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो सर्च इंजन इनमें से कौन नहीं है, तो जैसा कि आपको पता है अल्टाविस्टा सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, facebook.com, यानी फेसबुक एक सर्च इंजन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फुल फॉर्म वाला ही है, तो यानी कि टीसीपी स्टैंड्स फॉर, यानी टीसीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है वो आपको बताना है। पहला है ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, दूसरा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तीसरा है ट्रांजिस्टर कंट्रोल प्रोटोकॉल, चौथा है ट्रांसफॉर्म कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। ये तो मैंने कल भी आपको बताया था और बहुत सारे स्टूडेंट को ये पहले से भी पता होगा क्योंकि ईमेल एड्रेस तो सभी लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा नेम एट द रेट वेबसाइट एट द रेट इन्फो, फिर दूसरा ऑप्शन है नेम एट द रेट वेबसाइट डॉट इन्फो, तीसरा ऑप्शन है www.nameofwebsite.com, फिर चौथा ऑप्शन है name.website.com। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा name@website.info, क्योंकि कल मैंने जब बताया था ईमेल एड्रेस के बारे में, तो ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट किस तरह का होता है, तो सबसे पहले तो यूजर नेम होता है, उसके बाद वहां पे डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो जैसा कि नेम यानी कि यूजर नेम हो गया और यहाँ पे website.info ये हमारा डोमेन नेम हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, name@website.com। अब जैसे हमारा यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, तो नेम हमने xmartimukesh दिया, @gmail.com वो हमारा क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर, यानी कंप्यूटर जो बेसिक ऑपरेशन करता है कौन कौन सा है वो, इसमें अर्थमेटिक, लॉजिकल, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑल ऑफ द एवर। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव,
कंप्यूटर जो है इन तीनों तरह के परफॉर्म यानी तीनों तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक भी करते हैं यानी कि कैलकुलेशन भी करता है, लॉजिकल और स्टोरेज डिवाइस यानी कि स्टोरिंग भी करता है। तो इसका आंसर इसलिए डी नंबर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि कंप्यूटर इन तीनों ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्टकट की से है, जो आई थिंक मैं लेक्चर 4 में आपको बताया था, ठीक है। और उस समय मैंने ये भी बताया था कि सभी शॉर्टकट की काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक दो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। विच इज द शॉर्टेस्ट की ऑफ कट, शॉर्टेस्ट नहीं, यहाँ शॉर्टकट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कट का शॉर्टेस्ट की यानी कि शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+C, Ctrl+K, Ctrl+Q, Ctrl+X। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+X, यानी Ctrl+X से हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं जब पढ़ा रहा था तो ऑलरेडी मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको बताया था कि कैसे हम करते हैं। तो कट का क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट की यानी शॉर्टकट की Ctrl+X। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शॉर्टकट की से ही है। Ctrl+H=W, यानी Ctrl+S से होता क्या है? पहला है क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट, दूसरा है रिप्लेस, तीसरा है हाइपरलिंक, चौथा है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय समाप्त होता है। तो Ctrl+S से होता है रिप्लेस, यानी हम किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं Ctrl+H की सहायता से। तो इस सारी शॉर्टकट की मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आई होप आप सभी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा होगा और आपको ये फर्स्ट यूनिट का लाइव क्विज पसंद आया होगा। तो आपको ये लाइव क्विज कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट लाइव क्विज के लिए आप कितने एक्साइटेड है ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर अभी तक शेयर नहीं किए आप, तो अपने कॉलेज ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू वीडियो में। धन्यवाद।